जिस प्रकार कोविड-19 ने हमारे इंदौर को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले रखा है, पूरे विश्व के अंदर इस बीमारी ने जिस तरीके से दहशत फैला रखी है, इंदौर भी रेड जोन में आ गया था, उसी बीमारी से लड़ते हुए हमारे यहाँ के कर्मवीर योद्धाओं में एक है ADM दिनेश जैन सर। आइए हम बात करते हैं उन्होंने किस तरह से इस बीमारी को काबू में करने के लिए लोगों से अपना कांटेक्ट बनाया, लोगों के बीच जाकर उनसे बातें करी और किस तरह से इसके ऊपर काबू पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दिनेश जैन सर से। सर बताएं किस तरह से सर आप अपने क्षेत्र में घूमकर लोगों के बीच में जाकर इस दहशत वाली बीमारी से कहीं ना कहीं आप लोगों ने काबू पाने में कोशिश करी। देखिए ऐसा है कि शुरुआत में जब केसेस आ रहे थे मार्च एंड में, तो लोग भी बड़े घबराए हुए थे, और जो मेरा इलाका है जैसे चंदन नगर है, सदर है, मल्हारगंज है, और जिस एरिया में मैं उस समय देख रहा था टाटपट्टी बाखल है, तो लोग भी चूंकि बीमारी से अनभिज्ञ भी थे और घबराए हुए भी थे, और जब हम लोग पूरा टीम लेकर वहाँ जाते थे उनके घर पर, तो लोगों का थोड़ा रेसिस्टेंस भी था कि उनको क्वारंटाइन करने के लिए प्रयास करते थे तो वो विरोध करते थे, लेकिन जो लोकल हमारे उस एरिया के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको हम लोगों ने बातचीत की, उनको समझाया कि भाई ये आपके हित के ही लिए कर रहे हैं, उनको अच्छी जगह पर रुकवाया गया। दूसरा सबसे बड़ा ये हुआ कि उसमें जब ये एकदम से पैनिक था कि कोई भी व्यक्ति फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं था, तो उस समय हमारे राजस्व के ऑफिसरों ने, पुलिस के ऑफिसरों ने लीड लेकर उनके मोहल्लों तक गए, पॉजिटिव पेशेंट्स के घर तक गए हम लोग, और उसके कारण ही जो हमारे जो नीचे का अमला था, स्वास्थ्य विभाग का अमला और महिला बाल विकास का, ये सारे लोगों को पटवारी वगैरह इन सबको मोटिवेट करके जब हम लोग आगे रहे तो वो लोग भी फिर आकर आगे और मदद करने लगे। क्योंकि एक समय ऐसा आया था सर कि टाटपट्टी बाखल में लोगों को घुसने दिया जा रहा था, वहीं आप लोगों की जो एक नई नीति काम कर गई और वहां के लोग ही बीमारियों से ठीक होने लगे, और आज की तारीख में टाटपट्टी बाखल जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में, वो कैसे क्या है? देखिए शुरू में जब हम लोग गए थे और वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया था, तब उस समय लोगों में मतलब एक तरह का कोऑपरेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वो भी कन्विंस नहीं थे, और उनको लगता था कि ये ज़बरदस्ती मतलब ले जाके हम लोगों को पता नहीं कहाँ रखेंगे, फिर किस हालत में रखेंगे, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कई तरह की आशंकाएं उनके मन में थी। लेकिन जिला प्रशासन ने, हमारे कलेक्टर साहब ने जो उन लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं की, वो बहुत अच्छी उत्कृष्ट थी, और लोगों को भी ये समझ आया कि ये सब उनके हित के लिए किया जा रहा है, उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और हम लोगों ने लोगों को जो उनकी आवश्यकताएं थीं, कहीं राशन का वितरण करवाया, कहीं मास्क वितरण करवाए, कहीं उनको साबुन वितरण करवाया रेड क्रॉस से, और इस तरह से जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ति होने लगी, तो उनका सहयोग भी मिलने लगा और उनका विश्वास एक प्रशासन में जागा, उनको लगा कि नहीं ये लोग भी विपरीत परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं, और फिर उनका काफ़ी सहयोग, और आज तक हम लोगों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। सर क्या स्थिति लगती है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है सर, जैसे सदर बाजार ले लें, चंदन नगर ले लें, ये ऐसे टाटपट्टी बाखल ले लें, ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को काम करने में किस तरह से दिक्कतें पड़ी थी, और आज की तारीख में आप लोग किस तरह से ये काम कर पा रहे हैं? देखिए शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें थी, शुरू में नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज़्यादा थे और लोग भी घबराए हुए थे, और उस समय डेथ्स भी हुई हैं, मृत्यु के कारण भी लोग, किसी के परिवार में मृत्यु होने पर पूरे लोग घबरा जाते थे, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं नियंत्रण में आ गई हैं, अब केसेस वही केसेस आ रहे हैं जो या तो क्वारंटाइन में हैं या फिर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अब धीरे धीरे चीज़ें मतलब कंट्रोल में आ गई हैं, केसेस कम हो गए हैं, लोगों का भी विश्वास हो गया है, जो सर्वे की टीमें जा रही हैं उनको भी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, और अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, जल्दी से जब लक्षणों का पता चल जाता है तो उनका इलाज जल्दी शुरू हो जा रहा है, जिसके कारण लोग मतलब स्वस्थ होके वापस आ रहे हैं। सर एक थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग किस तरह से अपने आप को भी क्वारंटाइन, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आप लोग घूमते हैं, तो आप अपने घरों पर किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि सर सबका परिवार लगा हुआ है, आप लोग भी परिवार के बीच में है, तो किस तरह से आप अपने परिवार को भी अपने से दूर रखकर किस तरह से आप लोग काम कर पा रहे हैं? एक मार्केट सर ये स्थिति बन जाती है। देखिए परिवार में बच्चे और जो हमारे
वाइफ हैं तो सबको डर तो लगता है, क्योंकि हम मैं ही हूँ जो बाहर रहता हूँ और दिन भर हम लोग फील्ड में घूमते हैं, वो लोग तो लॉकडाउन के कारण अंदर रहते हैं, तो जो मतलब खतरा है वो मेरे कारण संक्रमण होने का रहता है। तो पहली तो हम लोग अपने को संक्रमण से बचाने के लिए जब एरिया में जाते हैं तो किट वगैरह पहन कर ही जाते हैं, और दूसरा फिर घर पहुंच के ही जो है पूरा कपड़ों को और सारी चीज़ों को गर्म पानी में डालने के बाद और नहाने के बाद ही, और बच्चों से और बाकी लोगों से दूर रहते हैं कि ताकि किसी तरह का वो ना हो, एक अलग कमरे में अपने को रखते हैं ताकि संक्रमण ना हो। तो ये थे एक अपर कलेक्टर दिनेश जैन सर, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को भी उन्होंने क्वारंटाइन टाइप में कर रखा है, घर जाते हैं बच्चों से नहीं मिल पाते हैं, वहीं क्षेत्रों में जाकर इन्होंने इस तरह से कम लोगों को समझाइश दी है कि टाट पट्टी बाखल जैसे क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी कम हुई है, और लोग अब अधिकारियों और कर्मचारियों के जाने पर उनका स्वागत तक करते हैं। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबर बांड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ।